हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट की इस अतरंगी और सतरंगी सर्वाइवल दुनिया में, जिसमें मैं और भैया जैक एक साथ मिलकर खेलते हैं। तो गाइस, आज के पार्ट में हम लोग बहुत ही एक स्पेशल टाइप की चीज बनाने वाले हैं, जो कि एक फनी भी चीज होगी। तो वीडियो को भी पूरा देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले गाइस, आप लोग सभी लोग मिलकर सब्सक्राइब कर दो ना, जल्दी से 100K भी करवा दो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ हम लोगों की एक बड़ी सी फैमिली हो। क्योंकि जितने ज्यादा लोग फैमिली से जुड़ते हैं, उतना ही अच्छा लगता है हमको और भैया जैक को भी। ओए, बिल्कुल सही कहा मुन्ना। सो गाइस, प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब रखिए हो तो जल्दी से कर दो। हम लोग इसी तरह से माइनक्राफ्ट की फनी वीडियो और सर्वाइवल सीरीज भी लाते रहेंगे। ओए मुन्ना, आज तू रुक जा, मुझे शाउट आउट देने दे, क्योंकि बहुत दिन से मैं भी पहले शाउट आउट देना चाहता था। ओए हे भैया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप ही शाउट आउट दे लीजिए ना। ओए तो फिर देख मेरा शाउट आउट। ओए ओए, मेरी तरफ से तो तुम लोग जानते ही हो, एक ही शाउट आउट रहता है, और वो भी हमेशा तोड़ने फोड़ने वाला 2.5 किलो वाला शाउट आउट रहता है, जो कि हमेशा पावरफुल वाला शाउट आउट रहता है। ओए ओए अगी, अब तेरी बारी। ओए हे भैया, मेरी तरफ से भी तो एक ही शाउट आउट रहता है ना, जो कि आप भी जानते हैं और ये लोग भी जानते हैं, सबको प्यारा वाला, मेरी तरफ से बड़े वाला शाउट आउट। तो गाइस, पिछली वीडियो में कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने काफ़ी सारे सजेशन भी दिए जो कि हम लोगों को बहुत अच्छे लगे। तो गाइस, इसी तरह से भी अच्छे से सजेशन भी दिया करो, ताकि हम लोग वो चीज़ माइनक्राफ्ट में भी ट्राई कर सके। हे भैया जैक, आज की वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। ओए तो चल ना, रोका किसने है? ओए ओए मुन्ना, स्ट्री वाले सीक्रेट हाउस को भी हम लोगों को और भी बड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ भैया, बना देंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों को पहले अपना अंडर वाटर वाला भी तो बनाना पड़ेगा ना। ओए ये बात तो सही कही, उसको हम लोग एकदम फुर्सत में बनाएंगे और एकदम बढ़िया से बनाएंगे। ओए चल, पहले इसको बंद कर देते हैं। बंद हो गया क्या? हाँ भैया, बंद हो गया। हे भैया, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, हम लोग को फूल लेने हैं, जो कि अपने गोलम को देना है, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं। ओ ये बात तो सही है, रुक जब मैं ढूंढता हूँ, आज मैं उसे फूल देता हूँ। कहाँ गया, इसको ही तोड़ लेता हूँ, अब रेड वाला तो मिल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं गौलम, इसको ही आज ले ले, देख कितना बड़ा फूल आएगा। ओए ये रहा मुन्ना हमारा प्यारा गौलम, बैड बॉय। ओए ओए मुन्ना, इस समय हमारा बैड बॉय होगा कहाँ? हे भैया, होगा ना कहीं। अभी भैया, हम लोगों को तो गौलम की सेना भी बनानी है। लेकिन उससे पहले भैया, हम लोगों को आयरन भी फाइंड करना पड़ेगा। हे भैया, मैंने काफ़ी सारे सजेशन देखे थे, जो कि भैया आयरन फॉर्म भी लिए आए थे, उसको भी भैया हम लोग ट्राई करने वाले हैं। ओह चल ठीक है, लेकिन आज क्या करने वाला है मुन्ना? हे भैया, आज तो एक सरप्राइज होगा, जो कि बहुत भैया स्पेशल टाइप की हम लोग चीज़ बनाएंगे, जो कि भैया आपको भी बहुत पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले भैया, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, कि आज हम लोग अपने नेदरराइट की तलवार भी बनाएंगे, जो कि भैया काफ़ी लोगों ने सजेशन दिए थे कि स्मिथिंग टेबल का यूज़ करो, तो भैया मैंने स्मिथिंग टेबल भी बना ली है। और ये कब कर लिया? हे भैया, आप अब मुँह बंद रखिए, ये लीजिए, देखा मैंने तलवार भी ले लिया, और भैया नेदरराइट इंगेट भी ले लीजिए आप। ओए किधर गया, ये रहा नेदर इंगेट। ओए ओए मुन्ना, एंशियंट डेब्रिज भी माइन करने जाना पड़ेगा। हे भैया, कर लेंगे, ये देखिए भैया एंशियंट मतलब कि स्मिथिंग टेबल। और देखते जाइए भैया, ये देखिए हम लोग की नेदरराइट की फर्स्ट तलवार। ओए मुन्ना, ये तो कमाल की लग रही है, ब्लैक कलर की। ओए हाँ भैया, इसका अटैक डैमेज बहुत भी भयानक है, और भैया जब इसमें शार्पनेस वगैरह लग जाएगी, तो भैया इसके सामने तो कोई टिक भी नहीं पाएगा। ओए इसको तो मैं ही चलाऊंगा, सबको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ओए हाँ भैया, आप ही चला लीजिएगा ना। ओए मुन्ना, अब क्या करेंगे? हे भैया, अब हम लोगों को, हे भैया, हम लोग का आर्मर भी कितना खत्म हो गया, अगर भैया हम लोग ध्यान ना देते तो भैया आर्मर भी हम लोग का टूट जाता, इतना भयानक आर्मर था। चलिए भैया, पहले आर्मर को अपने रख देते हैं। ओह चल ठीक है, वैसे भी अभी खतरा कोई है नहीं है। ओए हाँ भैया, खतरा तो नहीं है, ये देखिए भैया कितना अच्छा आर्मर था, अभी टूट जाता तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाता, वैसे भी इतनी अच्छी इंचेंटमेंट जल्दी नहीं मिलती। ओ ये बात तो सही कही है मुन्ना, इतनी जल्दी चैटमेंट मिलती भी कहाँ है? ओए फॉक्सी कहाँ घूम रहा है? हे तुझसे क्या मतलब बिल्ले, मैं चाहे जहाँ घूमो है। ओए निकल ले, नहीं तो बहुत मार खाएगा। ओए हे भैया, चलिए उससे पहले हम लोग सभी को दिखा दे कि हम लोगों ने क्या बनाया इधर।
और आज वो चीज हम लोग इधर ही बनाने वाले हैं। और आगी ने बिल्कुल सही कहा, इस बेस को मैंने और मुन्ना ने मिलकर बनाया है, लेकिन इसमें मेरी मेहनत ज्यादा लगी है। ओए हे भैया, आप तो हमेशा की तरह पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। ओए मैं सही बोलता हूँ, चल निकल ले। ओए हे गाइस, चलो आज हम लोग आपको एक स्विंगिंग मशीन बनाकर दिखाते हैं जिसमें हम लोग भी स्विंग कर सकते हैं। ओए मुन्ना, इतनी सारी माइंड काट क्या करेगा? मतलब कि तूने फिर से आयरन बर्बाद किया होगा। ओए हे भैया, अगर कोई चीज बनाते हैं तो भैया चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को चीजें भी तो मिलती रहती हैं। ओए चल ठीक है, लेकिन तू बनाएगा क्या ये स्विंगिंग मशीन? क्या है हे भैया, देखते जाइए, ये आपको भी बहुत कूल लगेगी। और भैया इसको हम अपने घर के जस्ट सामने बना रहे हैं, इसलिए तो ये और भी अच्छी लगेगी। चलिए भैया, सबसे पहले हम लोग स्लाइम ब्लॉक बना लेते हैं। ओए कितने बनाएगा? हे भैया, मिनिमम 8 तो बनाने ही पड़ेंगे, और उसके बाद आप लोग चाहे चाहे जितना भी बना सकते हैं। ओए चल ठीक है, रुक जा, एक और बना लेता हूँ। ये बन गए 8। हाँ भैया 8 बन गए, अब काफ़ी है, इसको रख दीजिए स्लाइम को संभाल कर, क्योंकि काफ़ी काम आती है भैया। ओए टेंशन न ले, ये रख दिया। ओए ओए मुन्ना, शाम भी हो रही है, सबसे पहले सो लेते हैं, फिर सुबह काम करेंगे। ओए हाँ भैया ठीक है, चलिए सो लेते हैं। हे भैया जल्दी से आइए ना, आप भी पता नहीं कितने देर तक सोते रहते हैं। ओए आ गया, रुक जा। चलिए भैया आपको आज मैं नहला देता हूँ, चलिए भैया। ओए मुन्ना, स्विमिंग पूल में नहाने का तो कुछ मजा ही कुछ अलग रहता है। ओए ओए कैटी कैसी है? ओए हे भैया, कैटी तो अच्छी ही होगी ना। चलिए भैया पिस्टन्स वगैरह ले लेते हैं और रिपीटर भी ले लेते हैं। ओए मुन्ना फिर से रेडस्टोन का काम करेगा? हाँ भैया, रेड स्टोन का काम ही है तो करना तो पड़ेगा ही। ओए ये सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। हे भैया मैं किस लिए हूँ? ओए तू भला मुझे अब समझाएगा? ओए चल मैं समझ लूँगा अपने से, तू बनाता बस जा। ओए ठीक है भैया, मैं बनाता जा रहा हूँ। चलिए भैया पहले पिस्टन को प्लेस कर देते हैं, इधर प्लेस करना चाहिए। ओए जल्दी से कर दे, नहीं तो मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। हे भैया ये गलत हो गया। ओए मुन्ना गलती वगैरह मत किया कर, इसमें टाइम वेस्ट होता है। ओए हे भैया कोई बात नहीं। हाँ भैया, पिस्टन का जो मुंह होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, जो कि भैया हम लोग का स्टिकी पिस्टन होगा। चलिए भैया इधर भी रहे। भैया फिर से गलत हो गया। हम लोग को एक ब्लॉक का कैप छोड़ना चाहिए था। ओए तो पहले कर लिया कर। ओए बकवास बहुत करता है तू, पता नहीं इसी बकवास के चक्कर में सभी चीजें गलत करता रहता है। ओए हे भैया कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि भैया जल्दी का काम तो शैतान का होता है। ओए मुन्ना, मैंने तुझे कितनी बार बोला था ये डायलॉग बंद कर दे, नहीं तो मैं तुझे भी तोड़ दूंगा। ओए हे भैया सॉरी। ओए अब जल्दी जल्दी लगा दे। ठीक है भैया, मैं जल्दी से पिस्टन लगा देता हूँ। चलिए भैया हम लोगों को कुल मिलाकर 8 पिस्टन तो मिनिमम लगाने ही पड़ेंगे। और गाइस आप चाहे चाहे जितना भी बड़ा इसे बना सकते हैं, और इसे जितना छोटा भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग तो 8 बना रहे हैं। ओए कितने हो गए, गिन भी रहा है? हाँ भैया मैं गिन रहा हूँ। चलिए भैया एक और लगाना है, बस हो गया। ये लग गए भैया 8, देख लेता हूँ गिन के। चलिए भैया ये पिस्टन तो सही है, 8 ही है। इन भैया ब्लॉक को हटा देते हैं। हे भैया इन ब्लॉक को नहीं हटाना, गलती हो गई थी। ओए फिर से गलती, अब क्या करेगा? हे भैया स्लाइम ब्लॉक को रख दीजिए आप सभी में। ओए तो फिर देख भैया का कमाल, ला पहले बोला कर। ओए ये रख दिया स्लाइम ब्लॉक, 2 और बचे हैं, अब एक और बच्चा। ये ले मुन्ना, ये भी कंप्लीट हो गया। ओए अब भैया इसके ऊपर ब्लॉक रख दीजिए। ओए तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा तू क्या बना रहा है, लेकिन ठीक है रखे दे रहा हूँ। ओए ये ले मुन्ना, ब्लॉक भी प्लेस हो गए। ओए अब क्या करेगा? अब भैया हम लोग को इसके ऊपर रेल की पटरियाँ प्लेस करनी पड़ेंगी, जिसमें भैया हम लोग अपनी माइंड कार्ड रख सके। ओए रुक जा, ये काम तो मैं ही कर लेता हूँ। ओए छोटा सा काम है, 2 मिनट में निपटाता हूँ। ठीक है भैया आप जल्दी से निपटा दीजिए, फिर हम लोग इसके ऊपर माइंड कार्ड रख देंगे, और भैया फिर हम लोग को करना पड़ेगा रेड स्टोन कनेक्ट, जो कि भैया हम लोगों का एक थोड़ा सा बेसिक सा काम है, जल्दी से हो जाएगा। और भैया हम लोग को तो रिपीटर भी लगाना पड़ेगा। और लगा देना, ये ले ये तो लग गया, अब क्या करेगा? अब भैया जल्दी से मैं माइंड कार्ड ले आता हूँ, फिर हम लोग इसके ऊपर रख देते हैं। और फिर भैया देखिएगा कमाल,
आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। वह कितनी माइन कार्ट लगेंगी? हे भैया, जितनी पटरियां लगाई हैं उतनी तो माइन कार्ट लगेंगी ही। ओए मतलब 8 लगेंगी ना? हाँ भैया 8 ले लीजिए। और तो रुक जा, 2 मिनट में लेता हूँ। अब जल्दी चल मुन्ना, माइन कार्ट तो ले ली, इसको लेकिन तू ही लगा देना क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। हे भैया, इसमें समझने की जरूरत नहीं है। हाँ इसी तरह भैया लगाते चले जाइए। और चल ठीक है, तूने भैया को मौका दे दिया, भैया खुश हो गया तेरा। ओए हे भैया, ये बहुत सिंपल सा काम है, इसको आप ही कर दीजिए। ओए तो फिर रुक जा, सभी में माइन कार्ड रख देता हूँ। ओए हे भैया, बिल्कुल सही कर रहे हैं, सभी में इसी तरह रख दीजिए। और ये ले मुन्ना, अब ब्लॉक भी तोड़ दिए। ये क्या कर रहा है और ये कूदने क्यों लगे? हे भैया, मैं ब्लॉक निकाल रहा हूँ क्योंकि भैया मुझे ऊपर स्लाइम रखने थे। ओए तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता था ना? नहीं भैया, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। इसका प्रोसेस यही है। ओ लगता है तूने मुन्ना एक नीचे गिरा दिया। हे भैया, ये गलती से गिर गया। चलिए भैया, इसको भी जल्दी से लगा ही देते हैं। ओए तो रुक जाना भैया, का कमाल देख। ओए स्लाइम किधर गई? ये रही स्लाइम और ये ऊपर आया। अब इसके ऊपर ब्लॉक लगाना है, ये लगा दिया ब्लॉक। किधर गई पटरी? ये रही। ओए ये लगा दिया। किधर गई रेल? माइन कार्ट। ओए ये क्या, फिर से खसक गई। हे भैया, नीचे जाकर लगाना चाहिए था ना? ओए चल ठीक है, गलती होती रहती है। ओए चलिए भैया, इसको भी आप जल्दी से लगा दीजिए, फिर भैया हम लोग इसे एक्टिवेट कर देते हैं और फिर भैया जो नज़ारा आपको दिखेगा ना, वो आपने कभी माइनक्राफ्ट में नहीं देखा होगा। मतलब कि माइनक्राफ्ट में, मैं तो माइनक्राफ्ट भी बोलने लगा। ओए चल ठीक है, ये ले, ये भी कूदने लगी। ओए हे भैया, स्लाइम है तो कूदेगी तो भाई। अब क्या करेगा मुन्ना? अब भैया हम लोग को रिपीटर लगाने पड़ेंगे जो कि मैं पहले से लाया हुआ हूँ। तो भैया मैं जल्दी से इधर रिपीटर लगा देता हूँ। रुक जाइए भैया, देखना पड़ेगा, हिसाब किताब से लगाना भी पड़ेगा। चलिए भैया, एक एक ब्लॉक में गैप छोड़कर अब लगाता हूँ। ओह तो आगे क्यों गलत लगा दिया? हे भैया, गलती हो गई होगी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। चलिए भैया, बाद में उसे लगा दूंगा। हे भैया, ये देखिए, ये एरिया कंप्लीट हो गया। रुक जाइए भैया, मैं इनकी पावर भी बढ़ा देता हूँ। इसको भैया हम लोग को साइड में लगाना चाहिए। ओए तब तो इसको तोड़ना चाहिए। हाँ भैया, तोड़ना तो पड़ेगा ही। ये लीजिए भैया, ये टूट गया और देखिए भैया लग भी गया। हे भैया, सबकी पावर बढ़ा दीजिए। ओए तो फिर देख भैया का कमाल ना, ये ले फुल कर दिया। ओए हाँ भैया, इसी तरह से सबको फुल कर दीजिए। ओए ये ले, ये भी फुल हो गया। अब क्या करेगा मुन्ना? अब भैया आप करेंगे। अब इसमें भैया मैं जल्दी से रेडस्टोन लेकर आता हूँ, फिर आप लगा दीजिएगा। ओए मुन्ना, मुझसे कहाँ बनेगा? हे भैया, बनेगा ना, धीरे धीरे सीखने से बनता है। आप ही करिए इस काम को। रेडस्टोन आप लगा दीजिए, एक्टिवेट मैं कर दूंगा। और भैया हम लोग एक बटन भी बना लेते हैं क्योंकि भैया एक्टिवेट तो करना ही पड़ेगा ना। ओ ये बात भी सही कही, रेडस्टोन इधर लगाने हैं ना। हाँ भैया, सीख तो रहे हैं आप, इसी तरह से लगा दीजिए। ओए मैंने पहले देखता था ना तेरा रेडस्टोन का काम, इसलिए थोड़ा थोड़ा बनने लगा है। ओए ये ले, अब भैया इधर एक बटन मैं लगा देता हूँ। ये लग गई बटन, आप देखिएगा कमाल भैया। ओए क्या कमाल! ओए ये क्या मुन्ना, तूने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। हे भैया, ये आपका कमाल है। ओए तू कहे उदक रहा है, अब सही लग रहा है। हे भैया, अभी तो ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा, इसको भैया हम लोगों को ऑटोमेटिक भी बनाना पड़ेगा ताकि भैया ये हमेशा ऊपर नीचे होता रहे। ओए ये सही काम मुन्ना, ये देख नीचे आने लगे धीरे धीरे। हाँ भैया, इसलिए हम लोग इसे आज ऑटोमेटिक भी बना ही देते हैं। ओए वो कैसे बनाएगा? हे भैया कमाल देखिए ओगी का। रिपीटर कहाँ गए मेरे? ओए बगली में तो रखा है, इन्वेंट्री में रखा तो हुआ है। हाँ भैया मिल गया। ये लगा दिया रिपीटर, अब भैया इसे हम क्लॉकवाइज लगा देते हैं। ओए अब क्या करेगा, रेडस्टोन मिल गया। हे भैया हटा देते हैं ना। ये देखिए भैया लग गया, अब भैया इसे हमें एक्टिवेट करना है क्लॉकवाइज, जो कि भैया एक क्लॉक टाइप ये बनेगी। ओए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जब एक्टिवेट कर लेना तब बोलना। ओए ठीक है भैया, रेडस्टोन कहाँ गई मेरी? ये रहा रेडस्टोन, ये देखिए भैया एक्टिवेट हो गया। आप देखिए हटाता हूँ।
ये क्या फिर से बुझ गया? हे भैया कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। रुकिए भैया इधर साइड से करके देखता हूँ। ओए फिर से हो गया, अब चल गया? नहीं भैया अभी नहीं चला। हे भैया लगता है मुझे पावर बढ़ानी पड़ेगी तभी ये होगा, नहीं तो ऐसे नहीं मानेगा। ओए तो रुक जाना, सभी का दो दो कर देता हूँ। ये बढ़ाई पावर, इसकी भी पढ़ाऊंगा और इसकी भी। ये बच गया, ये ले मुन्ना हो गया। अब देखिए भैया, हे भैया ये देखिए हो गया। देखिए भैया एक क्लॉक की तरह काम कर रहा है, अब देखिए कमाल। ओ ये ले मुन्ना कूदने लगे। ओए अब भैया ये हमेशा चलता रहेगा। ओए मुन्ना क्या कमाल का नजारा मिल रहा है, तूने तो आज कमाल की चीज बना दी। ओए ये देख शाम में तो ये और भी अच्छा लग रहा है। ओए अगर मुन्ना इधर से सनसेट होता तो कितना बढ़िया लगता। हाँ भैया अच्छा तो लगता। चलिए भैया खाना खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए। और चल ठीक है, ये ले मुन्ना पेट भी भर गया। लेकिन मुन्ना आज कमाल की चीज बना दी, धोती फाड़ के रुमाल की चीज बना दी। ओए अब ये मुन्ना हमेशा चलता रहेगा क्या? हाँ भैया ये अब हमेशा लाइफ टाइम ही ऐसे चलता रहेगा। नहीं तो पहले भैया बटन दबाने में चलता था और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता था, लेकिन भैया अब ये इसी तरह से कंटिन्यूस चलता रहेगा। देखिए भैया यहाँ से कितना कूल लग रहा है। ओए मुन्ना कमाल धमाल लग रहा है। ओए तो हे गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को भी फोड़ दीजिएगा, लेकिन कर जरूर दीजिएगा क्योंकि हम लोग काफी मेहनत करते हैं। ओए तो गाइस मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।